तानाशाही चला रहे कि डर जाए, तो डरने वाला तो झारखंडी लड़का खून है, भोजपुरी बोलने वाला खून है, डरने वाला तो है। कितना भी धमकी दिलवाइए, कितना भी फोन कॉल करवाइए, हम लोगों का खून में डरना नहीं है। मंडे को नोटिस मिला, मंडे को हाजिर हुई, कहे भैया अधिकार लेंगे आप, 107 कर दीजिए, जेल भेज दिए, गोली चलवा दीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और विरोध उस समय तक जारी रहेगा जब तक जो की सरकार इसको खारिज कर दी। न्यायालय के द्वारा जो नोटिस आया है प्रशासन के द्वारा, गैर वाजिब है और बिना सोचे समझे जो है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे हम लोग दबने वाले नहीं और आवाज हमारी मजबूत होगी। झारखंड कैबिनेट में जारी हुए 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के विरोध को लेकर सदर एसडीओ दीपक दुबे ने रांची के कुल 6 लोगों को नोटिस दिया था। बता दें कि सदर एसडीओ ने धुरवा स्थित क्षेत्र के कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी, नवनीत कुमार, रंजन कुमार, बिट्टू मिश्रा और राम कुमार यादव को नोटिस दिया है। नोटिस के जरिए एसडीओ ने सभी लोगों को 22 सितंबर को एसडीओ कोर्ट में खुद या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि क्यों ना शांति कायम रखने के लिए 50,000 का बॉन्ड पेपर भरने का निर्देश दिया जाए। आज 6 लोगों में से 3 लोग कोर्ट परिसर में उपस्थित हुए। हम लोग 107 का नोटिस दिया गया था तो उसका हम लोग सम्मान पूर्वक अपना जवाब दाखिल किए हैं। अभी न्यायिक प्रक्रिया है, चलते रहेगा, लेकिन हम लोग के साथ में अन्याय हो रहा है। 32 का मामला को मिला के अन्याय किया गया है। आप लोग विरोध करें तो अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय इसलिए हो रहा है कि अपनी आवाज़ उठाने पर प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। तो ये दबाव झुकने वाला नहीं है, ये दबाव का स्वर और ऊँचा होगा। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में ये मामला है, ये चलते रहेगा। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे न्यायालय में भी, अपनी बात को रखेंगे कि जो आरोप लगाए बिल्कुल गलत है, निराधार है। क्योंकि हमारा कार्यक्रम 18 तारीख को था और 17 तारीख को ही रात में हमको व्हाट्सअप किया गया 11 बजे, जबकि हम अपना संगठन का भी नामांकन नहीं किए थे। उसमें बताया गया कि झारखंड नव निर्माण मंच के जो अध्यक्ष कैलाश यादव, उनके साथ में विभिन्न लोगों को जो है कि 107 का नोटिस दिया जाता है। क्योंकि रात का समय था, दूसरे दिन हम लोगों ने प्रशासन से बात किया तो बोला कि हम लोग को ऐसा संभावना था कि राज्य में जो है कि अशांति फैल सकता है, माहौल गड़बड़ा सकता है। हम लोग को देखने से लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उसका अधिकार हमको संविधान ने दिया है, अपनी बात वैसा हम रखते रहेंगे और सरकार पर हम अपना दबाव बनाते रहेंगे। चूँकि झारखंड में लगभग 90% लोगों के पास 1932 का खतियान नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हैं कि सभी जिलों के जनप्रतिनिधि ने सार्वजनिक किया है कि सरकार जो है कि इसको देखे, और हर जगह का सर्वे को लोग जो है कि सार्वजनिक किया है। तो उस परिस्थिति में जो है कहा जा सकता है, और मेरे पास भी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, तो उस परिस्थिति में किसी भी सूरत पर जो है कि सरकार इस जल्दबाजी में निर्णय लिया, और हम खतियान का विरोध नहीं करते हैं, हम खतियान आधारित का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन स्थानीय नीति का आधार जिस दिन से राज्य बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 उस दिन से होना चाहिए। खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई है, लेकिन 15 नवंबर, चूँकि छत्तीसगढ़ उत्तराखंड भी उस दिन बंटवारा हुआ एक साथ में, तो दोनों के साथ में न्याय हुआ, तो यहाँ पर लोग अन्याय क्यों करें यहाँ के शासक लोग? जी छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में भी जो है कि 15 साल बिफोर से सेटलमेंट माना गया, आधार मापदंड लिया, तो जब से तो उसी को हम मानिए, विवाद ही खत्म हो जाएगा। और आप हमको बाहरी क्यों करें? हम तो एकीकृत बिहार के समझ रहे, बिहार से ना झारखंड बट रहा है, तब मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? 70-80% आबादी के खिलाफ में अन्याय क्यों हो रहा है? तो ऐसा निर्णय लेने से पहले एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा सोचना चाहिए और इस विषय पर जो है कि बताना चाहिए कि हम लोग जो है गलत डिसीजन ले, गलत डिसीजन से सरकार बचे और इसको निरस्त करें। अगर निरस्त नहीं करेंगे तो इस आंदोलन का रूपरेखा व्यापक होगा। और हाँ, बुलाया गया, तो जो न्यायिक प्रक्रिया 28 तारीख को पुनः बुलाया गया है, तो हम लोग सशरीर जो है कि हम लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हम लोग न्यायालय से गुहार करेंगे कि हम लोग के खिलाफ जो आरोप है। हम लोग बैठ के अपन आपस में मीटिंग कर रहे हैं 10 लोग, उसको प्रशासन ने झूठ कहा। आप बताएं ना, प्रशासन से विजुअल मांगिए ना कि हम लोग आपस में बैठ के यही 32 का विरोध में बात करते कैसा कैसा ये करना है, तो आप विजुअल मांगिए ना प्रशासन, प्रशासन प्रूफ दे ना इसका, प्रशासन प्रूफ दे। देखिए कितना विद्वेष का भावना फैला रहा, हम कहीं कुछ नहीं बोले हैं, हमने कहीं भी किसी भी आपत्तिजनक असंतति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो हमारे ऊपर तुगलकी फरमान टाइप का, नेपोलियन टाइप का नोटिस करवा दे रहे हैं, हिटलर शाही कर रहे हैं। और जो लोग खुलेआम
उल्टा सीधा बोल रहा है, संसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और संवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं करें, मतलब क्या? मतलब क्या आप विद्वेष की भावना फैलाना चाहते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा नहीं करेंगे, हमें अपना अधिकार चाहिए, अधिकार लेंगे। आप 107 कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, गोली चलवा दीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये आप आखिर क्यों संडे को नोटिस मिला और मंडे को हाजिर हुए, काहे भैया, क्या डर है? क्या लग रहा है प्रशासन को कहीं ना कहीं डर था कि आप लोग दंगा फैलाने वाले हैं? बिल्कुल, ये डर बिल्कुल गलत था, ये डर बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमारी किसी एक्टिविटी से अगर आपको लगा हो तो आप उसको प्रूफ कीजिए ना। तानाशाही चला रहे कि डर जाए, तो डरने वाला तो झारखंडी लड़का का खून है, भोजपुरी बोलने वाला का खून है, डरने वाला तो है नहीं। हम झारखंड के लोग हैं और हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन ने सिखाया है, और ये दुर्भाग्य है कि उन्हीं से सीख के उनके बेटे के खिलाफ हमको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लड़ेंगे चाहे जो हो, परिणाम की चिंता नहीं है, इस सबसे कुछ हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब मजबूती से लड़ेंगे, कितना भी धमकी दिलवाइए, कितना भी फ़ोन कॉल करवाइए, हम लोगों का खून में डरना नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखें और लड़ेंगे। ये लोग आज 6 आदमी पर, इन लोगों 107 का केस हुआ था, जिसका केस नंबर है 2228, जिसमें 6 आदमी को, 6 आदमी को नोटिस हुआ था, कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी, राम सिंह यादव और बिट्टू मिश्रा, नवनीत कुमार और रंजन कुमार, 6 आदमी को सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया था न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तथा 50,000 का बॉन्ड भरने के लिए, जिसमें आज 3 आदमी न्यायालय में उपस्थित हुए, कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी, राम कुमार सिंह, 3 आदमी उपस्थित हुए और तीनों ने बॉन्ड भर दिया, और जो रेस्ट 3 बच गए हैं उनके लिए 28 तारीख को न्यायालय के द्वारा डेट फिक्स किया गया है, जिसमें उन लोग को भी आना है तीनों को और आकर बॉन्ड भरना है। और हाँ, बॉन्ड इन लोग से ले लिया गया है, इन लोग का बॉन्ड भरा गया है कि 1 साल के अंदर ये लोग अगर किसी तरह का शांति भंग करते हैं तो 50,000 रुपया इनकी संपत्ति से सरकार अटैच कर लेगी, इसी शर्त पर इनको आज बॉन्ड भरा के इनको छोड़ा गया। हमारा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं सिविल कोर्ट। देखिए 1932 जो खतियान का जो मामला आया है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने इसको लागू करने पर हम जा, लेकिन हम लोग ऐसे 60-70% आबादी वाले लोग हैं जो वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, एकीकृत बिहार के समय से, तो ये जन विरोधी निर्णय है, अन्यायपूर्ण निर्णय है और ये राजहित में नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ आप उसको बेघर करने का निर्णय ले रहे हैं, ये किसी भी मायने में जो है कि स्वागत योग्य नहीं है। इसका हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, इसको लेकर जो है झारखंड नवनिर्माण मंच के माध्यम से इसका विरोध शुरू किया है और विरोध उस समय तक जारी रहेगा जब तक जो कि सरकार इसको खारिज बॉन्ड कर दिया। बॉन्ड एक सामान्य प्रक्रिया है न्यायालय का, 107 का नोटिस दिया गया है और न्यायालय का जो भी आदेश है उसका सम्मान किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट इसलिए करेंगे कि न्यायालय के द्वारा जो नोटिस आया है प्रशासन के द्वारा, एक गैर वाजिब है और बिना सोचे समझे जो है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे हम लोग दबने वाले नहीं, और आवाज़ हमारी मजबूत होगी, हम ताकतवर होंगे और आंदोलन का रूपरेखा व्यापक होगा। तो प्रशासन जो है प्रोटेक्टिव को देखते हुए ये डिसीजन लिया कि इन लोगों को नोटिस दिया जाए, ताकि जो यहाँ पर झारखंड में उस तरीके का निश्चित तौर पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही कोई काम होगा, जो संविधान ने व्यवस्था दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और उसके तहत ही अपनी बात रखना हम कोशिश, कोर्ट बैठ गए हम आते हैं। ठीक, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।